बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप खैरियत से होंगे और अल्लाह करे आप हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें और खैरियत से रहें, अपने घरों में खैर आबाद रहें। तो व्यूअर्स, आज मैं कोई आपसे रेसिपी शेयर नहीं कर रही। आज मैंने एक छोटी सी, हमारी लॉन्ग ड्राइव हो रही थी तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपसे ये शेयर करती जाऊं और आपको सामने ये जो माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं, ये फैसलाबाद के साथ ही एक छोटा सा शहर है चनियोट। तो आज जी हम चनियोट जा रहे थे किसी काम से, तो उस वो बहुत प्यारे व्यूज़ लगे जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। माउंटेन थोड़ा, मतलब कितने ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत इसमें काफ़ी माउंटेन्स हैं और बहुत अच्छा मौसम था उस दिन, एक दो दिन पहले की है और इतनी गर्मी भी नहीं फील हो रही थी। तो जी आइए चलते हैं, देखते हैं कि हमारी आपको मैं अपनी लॉन्ग ड्राइव आपसे शेयर करती हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छा, ये वीडियो पहले मैंने शेयर की, अपलोड की थी, उसमें मैंने वॉइस ओवर नहीं की थी, जस्ट यूट्यूब की गैलरी से बैकग्राउंड म्यूज़िक लेके तो मैंने अपलोड कर दी। तो उस पर आई डोंट नो कि किस वजह से कॉपीराइट आया, तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा इसमें बोलना जो ना ज़रूरी समझूं। तो अगर हमें ये जानना हो कि हमारी किस वजह से हमारी वीडियो में कॉपीराइट आया है, तो ये अगर कोई फ्रेंड मुझे बता सकता है, क्योंकि मुझे इस वजह से अभी तक मुझे ये वजह नहीं मालूम हुई। अब मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक तो चेंज कर लिया है, हालांकि वो जो बैकग्राउंड म्यूज़िक पहले था वो इससे पहले भी 3-4 वीडियो में मैंने लगाया था, तब तो ऐसी कोई बात नहीं हुई और मुझे कुछ समझ नहीं आया, इस वजह से मुझे वो वीडियो जो है डिलीट करने पड़ी। तो आप ये एक्सपीरियंस मैं दोबारा इसलिए कर रही हूँ बैकग्राउंड म्यूज़िक चेंज करके, वही सीन मैंने वीडियो छोटी कर दी 5 मिनट की और मैंने कहा कि मैं दोबारा देखती हूँ कि अब कॉपीराइट आता है कि नहीं। तो आपको बहुत अच्छे व्यूज़ नज़र आ रहे होंगे। तो जी किस मकसद के लिए गई थी ये मैं आपको एक अगली वीडियो में बता दूँगी कि हम जो है ना, एक तो चाह रहे थे कि चलें थोड़ी सी हमारी लॉन्ग ड्राइव हो जाए और एक हमें काम भी था, तो वो जो काम था वो मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पे आई थिंक अब हम, हाँ जी, गुजरे हैं दरिया चनाब के पास से, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके भी थे और प्यास लग रही थी। और फिर जी यहाँ पे हमें एक गन्ने के रस वाला नज़र आया, तो जी वहाँ से हमने गन्ने का रस लिया, बहुत ही मज़ेदार था। तो गर्मी भी इतनी शिद्दत से नहीं थी उस दिन, गर्मी, बहरहाल गर्मी का मौसम तो था ना। और प्लीज़ वीडियो को फुल देखा करें ताकि मेरा भी जल्द अज जल्द वॉच टाइम पूरा हो। और ये बच्चे यहाँ पे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, इन्होंने एक एक ग्लास नहीं बल्कि दो दो ग्लास पिए थे और ये आई थिंक इन्होंने फर्स्ट टाइम ही गन्ने का रस पिया था, पहले इससे पहले इनका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो जी फिर हम वहाँ से चल पड़े वापसी पे घर को। और जी यही था आज की वीडियो में। और क्यों गए थे इतनी लॉन्ग ड्राइव पे, तो किस वजह से गए थे वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दीजिएगा। और अल्लाह करे अब कोई ऐसा मेरी वीडियो पे कॉपीराइट ना आए, ये कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो जी अल्लाह हाफिज़।